हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DRS फैक्चुअल एजुकेशन की इस नई वीडियो में। आज ट्रेन में विमान जैसी सुविधाओं का आनंद लिया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ट्रेन के डिब्बों में AC नहीं हुआ करती थी। सवाल उठता है कि उस स्थिति में ट्रेन के डिब्बों में ठंडक बनाए रखने के लिए क्या किया जाता होगा। देश में पहली AC कोच ट्रेन कब और किस रूट पर चली, आइए जानते हैं वीडियो में सारे सवालों के जवाब। जानने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। दरअसल ट्रेन में जब AC कोच नहीं होते थे तो उसे ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता था। इन सिल्लियों को बोगियों के नीचे बिछाया जाता था और इन पर पंखे चलाए जाते थे, जिससे पूरे डिब्बे को ठंडा रखा जाता था। गर्मी के दिनों में बर्फ जल्दी पिघल जाती थी, ऐसे में ये पहले से तय होता था कि किस स्टेशन पर बर्फ की सिल्लियों को भरा जाएगा। ट्रेन की पहली AC ट्रेन का नाम फ्रंटियर मेल था। ये ट्रेन आज भी चलती है, जिसे गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन की शुरुआत 1928 में की गई थी। हालांकि इस ट्रेन में शुरू से ही AC कोच नहीं थे। साल 1934 में पहली बार इस ट्रेन में AC वाले कोच के डिब्बे जोड़े गए थे। 1996 में इनका नाम बदला गया और ये ट्रेन गोल्डन टेम्पल ट्रेन के नाम से जानी जाने लगी। भारत पाक के बंटवारे से पहले ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से रवाना होती थी और पाकिस्तान के लाहौर और अफगानिस्तान के शहरों से होते हुए अमृतसर पहुँचती थी। ये अपने समय की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। यही कारण है कि इस ट्रेन से लोग टेलीग्राम भी भेजा करते थे। लंबा सफर होने की वजह से इस ट्रेन में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इस ट्रेन में ज्यादातर अंग्रेज लोग ही सफर करते थे। शुरुआती समय में इस ट्रेन में सिर्फ 6 डिब्बे हुआ करते थे, बाद में इन डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। और आपको बता दें कि आजादी के बाद से इस ट्रेन का रूट बदल गया और ये गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और UP जैसे शहरों से होकर अमृतसर पहुँचने लगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।